ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, 10th क्लास फिजिक्स का ये तीसरा टॉपिक है और हमारा लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम में क्या है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना आना चाहिए व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम एक स्पोर्ट के साथ आप अटैच करते हैं स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर अटैच किया जाता है एक मास एम। ये है वो जी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के साथ आपने अटैच किया मास। यहाँ पर एक याद रखिएगा बात, यहाँ पर जो आपने स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ की, दैट स्ट्रिंग इज़ मैसलेस। हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं, ये जेहन में रखिएगा, द स्ट्रिंग इज़ मैसलेस। नंबर टू, द फ्रिक्शन इन द सिस्टम इज़ ज़ीरो। और ये जो स्ट्रिंग है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है, इट इज़ इनएक्सटेंसिबल कि आप कुछ भी कर लें आप इस स्ट्रिंग की लेंथ को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह की आपको स्ट्रिंग्स मिलती हैं मार्केट में कि अगर आप उनके साथ किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करें तो वो वेट की वजह से उनमें थोड़ी बहुत एलोंगेशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर होने वाला। तो बच्चों इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है एल। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को साथ हैंग किया, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर इस बॉडी का मास हो m, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा दैट विल बी ऑब्वियसली mg। ठीक हो गया। अब अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ श्योर है, वो ये कि एक और फोर्स होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस वेट, और उस फोर्स का नाम क्या है जी, दैट फोर्स इज टेंशन। तो ये है जी हमारा मास स्प्रिंग, सॉरी सिंपल पेंडुलम, के एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक मास को अटैच कर रखा है। तो बच्चों ये जो मास है ना, इस मास की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मास, ये जो बॉब है, इट इज़ ऑफ वेरी स्मॉल साइज। इसका जो साइज होता है बॉब की जो प्रॉपर्टीज हैं, इट हैज वेरी स्मॉल साइज, इट इज़ वेरी मच डेंस एंड वेरी डेंस। डेंस का मतलब कि इसका साइज़ कम है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो लाइटर ना हो, मतलब जिस तरह आप आमतौर पर मेटल एक यूज़ करते हैं एलुमिनियम, तो इसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइटर है। उसके मुकाबले में आयरन, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप यूज़ ऐसा मास करें साइज़ कम हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मास वाला हैवियर ऑब्जेक्ट यूज़ करें, साइज़ स्मॉल ही रखना है। तो बच्चों अब आप इस ऑब्जेक्ट को मीन से डिस्प्लेस करें, किसी नई पोजीशन एक्सट्रीम पर लेकर जाएं। तो लेट्स से आप इसे यहाँ से मूव करवाते हैं और आप इसे मीन से डिस्प्लेस करके ले गए एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये बच्चों यहाँ पर एक नई पोजीशन है, हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस न्यू पोजीशन इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। और चूंकि ये मेन पोजीशन के राइट साइड पर है तो हम इस पोजीशन को नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये पोजीशन कौन सी है जी, दैट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम। और फिर बच्चों ये वाली जो पोजीशन थी, दैट पोजीशन इज मेन पोजीशन। और बच्चों नेक्स्ट चीज, अब आप यहां पर लाकर इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन। वजह क्या है मूव करने की, तो फिर बच्चों यहाँ पर आप ड्रॉ करें इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर इसका जो वेट है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक यहाँ पर वेट का बन जाएगा एक्स कंपोनेंट जो कंपनसेट करेगा स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन को, दूसरा वेट का जो कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को, इस मास को मीन की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पर यही डब्ल्यू वाई जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इन अ सेंस रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसे दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो डब्ल्यू वाई है। अब ये कैसे है तो वो देखें जरा बच्चों, ये हमारे पास एक स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर आप लोगों ने रख रखा है एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट मास इज एम, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ, दैट विल बी W। इस ऑब्जेक्ट को आपने मीन से डिस्प्ले, इसको डिस्प्लेस किया, ये यहाँ से मूव करेगा डाउनवर्ड, तो ये उस वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक हो गया और ये उस वेट का जी दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसी तरह बिल्कुल किया, ये मेरे वेट का कौन सा कंपोनेंट है, मैंने इसे वाई एक्स कंपोनेंट का नाम दिया, ये मेरे वेट का कौन सा कंपोनेंट है,
वाई कंपोनेंट है, उसको मैंने यहाँ पर कुछ यूँ मेंशन किया। तो बच्चों ये वेट का एक्स कैसे है और ये वेट का वाई कैसे है? तो बच्चों जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है ना, वही एंगल थीटा यहाँ पर भी बनेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जिस तरह हमने वो बॉल एंड बाउल सिस्टम में किया, थीटा यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इस वेक्टर को इधर बना लें तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, अब मैं इस ट्रायंगल को अलग करूं तो ये ट्रायंगल कुछ यूं बनी हुई है आपके सामने ये। तो बच्चों इसको यहां से हमने यूं ज्वाइन किया हुआ है, ये असल में इधर ही जो वेक्टर था, ये वाली जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, इसी कंपोनेंट को हमने यहां शिफ्ट किया था। ये साइड तो है जी डब्ल्यू, ये साइड जो एंगल थीटा ट्रायंगल में यहां पर बनता है वही एंगल थीटा यहां पर भी बनेगा। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो यहां पर वाई कंपोनेंट और जो साइड रह गई वहां पर कंपोनेंट कौन सा होगा जी, एक्स कंपोनेंट। तो बच्चों वेट का एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है एम ए कॉस थीटा, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर आप लोग इसको यूं कह सकते हैं एफ कॉस थीटा। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ एंगल थीटा। तो सेम इस तरह जब वेट का आप एक्स कंपोनेंट लिखेंगे डब्ल्यू एक्स, इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, और जब आप लोग वेट का वाई कंपोनेंट लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन ऑफ एंगल थीटा, वेट का वाई कंपोनेंट, एंड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चों ये है जी रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर आपकी बुक वाला लिखता है एम जी साइन थीटा, चूँकि वो वेट का वाई कंपोनेंट है। और फिर बच्चों ये इसी तरह मेन पोजीशन की तरफ आएगा एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वही इनर्शिया की बात कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, जिस तरह आपने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया। तो बच्चों यहाँ पर अगर एक्सट्रीम पर वेलोसिटी लिखें दैट विल बी जीरो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है। एक्सट्रीम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इससे आगे तो ऑब्जेक्ट जाता नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की रीजन एक ही है कि यहां से नीचे आना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही दोबारा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाना है वेलोसिटी फिर से कम, तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन के ऊपर एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो। रही बात काइनेटिक एनर्जी की, इट विल बी मैक्सिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। सेम अगर आप चाहें तो दूसरा जो एक्सट्रीम है लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्सट्रीम, उसके लिए भी सेम यही पैरामीटर्स आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं जो पैरामीटर्स आपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर यूज़ किए। नेक्स्ट बच्चों इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन टी इज इक्वल टू टू पाए स्क्वायर रूट एल ओवर जी, एल लेंथ है और जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आपके लिए जी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अगर आप जब तक आप अपनी एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ चेंज नहीं करते तो आपके लिए जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये टॉपिक आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं जी की वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो जाती है, तो अगर जी की वैल्यू सेम रहे तो टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड, तो बच्चों टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट टू टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड पहले वाले टाइम पीरियड का कितना चेंज करेगा जी, स्केयर रूट टू टाइम, क्योंकि लेंथ के साथ रिलेशन कौन सा है, स्केयर रूट के साथ है, तो आप 2L पुट करेंगे ना तो स्केयर रूट में 2 आएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड, तो उनमें से सबसे पहली लिखी हुई है जी बुक पे, व्हाट डू यू मीन बाय वन वाइब्रेशन। तो बच्चों वन वाइब्रेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड द मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन के गिर एक मुकम्मल चक्कर, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, और फिर मीन से होता हुआ नेगेटिव एक्सट्रीम, और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा मीन, तो ये एक मुकम्मल चक्कर है, दैट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अगर आप एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हैं तो फिर तो बहुत आसान है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर यहाँ से वापस पहले एक्सट्रीम तक, दैट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट बच्चों इसमें है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम
टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन, कि ये पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, टाइम पीरियड के लिए सिंबल टी और इसका यूनिट क्या होता है जी, सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों, इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। टाइम पीरियड क्या था, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। सो इसका मतलब ये हुआ ये टाइम पीरियड के उल्ट है। अगर हम यूनिट यहाँ से देखें तो वन ओवर टाइम सेकेंड, तो सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड, और इसके लिए दूसरा यूनिट यूज होता है बच्चों हर्ट्स। नेक्स्ट बच्चों आखिरी डेफिनेशन इसमें, और वो आखिरी डेफिनेशन कौन सी है जी, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द ईदर साइड, जो बुक की डेफिनेशन है। तो इतनी मुश्किल डेफिनेशन के चक्कर में मत जाएं, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखें, मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का फासला, द डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम, जिस साइड पे मर्जी ले लें, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम, वो दोनों साइड पे सेम रहता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जी बच्चों, और इससे ज़्यादा बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सट्रीम से आगे तो नहीं ना जाता बॉडी। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक सिंपल पेंडुलम, और साथ उसके साथ डेफिनेशन। होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट्स में हमें बताएँ, ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर इसको और मज़ीद आसान तरीके से समझा सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।